सो हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, काफ़ी लोग अब यहाँ पे जो नए स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी ऑप्शंस में या फिर इंट्राडे कर चुके हैं, तो उनको अभी स्विंग ट्रेडिंग करनी है या फिर स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और स्पेशली फ्यूचर्स में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स जो ऑप्शंस पे मुझे मैसेजेस आते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस पे मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि उनका ऑप्शंस में लॉस हो रहा है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं बट वो एज नहीं मिल रही है, लॉसेस हो रहे हैं या फिर टाइम नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू द जॉब, स्कूल और कॉलेज, तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं कि बिल्कुल बिगनिंग लेवल से, बिल्कुल एक बेसिक लेवल से कैसे स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, मैंने कैसे स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, और बिल्कुल कम कैपिटल से, ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोलूँगा 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। ऑफकोर्स कैपिटल थोड़ा सा चाहिए, 50,000 तो मैं बोलूँगा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो 50,000 मिनिमम आपको चाहिए रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात तो प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है मैं बताने वाला हूँ जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ट्रेडर्स काफ़ी लोग बोल रहे थे कि नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं, तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, शायद बेल आइकन प्रेस नहीं होगा इसलिए नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं। एंड ऑल्सो काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि जो आप पोस्ट डालते हो कम्युनिटी पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, तो वो काफ़ी अच्छी होती हैं, तो वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से डालता हूँ, मतलब जो मैं इंटरनेट से क्वाट्स कॉपी करके नहीं डालता हूँ, मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, मेरी जो टीम है उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं और जो रियल एक्सपीरियंसेस हम लोग करते हैं ना, तो वो मैं लिख के डालता हूँ वहाँ पे। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अभी इक्विटी में भी स्विंग ट्रेडिंग होती है और फ्यूचर्स में भी स्विंग ट्रेडिंग होती है, राइट। अभी देखिए इक्विटी में क्या क्या स्विंग ट्रेडिंग होती है कि आप फॉर एग्जांपल आईटीसी का एग्जांपल लें, आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी लो, 1 क्वांटिटी लो, 1000 क्वांटिटी लो, जो भी इसका प्राइस चल रहा है, जैसे 391, तो आपको पूरा प्राइस पे करना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इसके फ्यूचर्स में जाते हो तो जो आपको 1600 क्वांटिटीज यहाँ पे 1,15,000 रुपये की मिल जाएंगी, और सेम यहाँ पे 1600 क्वांटिटीज आपको सीधे सीधे 6 लाख में मिलेंगी, तो 5 गुना मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं फ्यूचर्स करता हूँ क्योंकि मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करें, तो देखो सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अब बेसिक चीज़ें क्या सीखना है आपको, सीखनी आपको ये पड़ेंगी पैटर्न्स और कैंडलस्टिक्स। अब मैं बता रहा हूँ ट्रेडर्स, आपको थीटा, आपको गामा, ऑप्शन चेन और बहुत सारे ऐसे वास्ट जो सिलेबस है, वास्ट जो यहाँ पे टॉपिक्स हैं ऑप्शंस में या इंट्राडे में, ऐसा बिल्कुल भी स्विंग ट्रेडिंग में नहीं है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ना आपको ऑप्शन चेन देखना है, ठीक है, ऑप्शंस पे जो ट्रेडिंग करते हैं, ना आपको यहाँ पे एक्सपायरी, पर्टिकुलर वीकली एक्सपायरी देखनी है, ना आपको यहाँ पे पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, ऐसा कुछ भी इस पर जो है मैं बोलूँ तो एडवांस चीज़ें नहीं है। आपको सिंपल सा है, आप कुछ चार्ट पैटर्न सीख लीजिए। अब कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप, मैं मेन 3 बता रहा हूँ, ठीक है, 3 पैटर्न्स आप सीख लो। अगर ये 3 पैटर्न आपने प्रॉपर तरीके से सीख लिए, आप पूरी लाइफ स्विंग ट्रेडिंग से एक अच्छी इनकम कर पाओगे बिना किसी के ऊपर डिपेंड होने के लिए। ठीक है, तो फॉलिंग वेज पहला एक आप लिख लो, फॉलिंग वेज पैटर्न, दूसरा लिख लो सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न, और तीसरा लिख लीजिए पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ये 3 पैटर्न लिख लीजिए, फॉलिंग वेज, सिमेट्रिकल ट्राइंगल एंड पोल एंड फ्लैग। अगर ये 3 पैटर्न आपने मास्टर कर लिया, आप इन 3 पैटर्न्स पे ट्रेड करने लगे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी और से ट्रेड्स लेने के लिए। आप इन 3 पैटर्न्स पे ट्रेड कर पाओगे तो आप बिल्कुल फ्री हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल टाइप का पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सपोर्ट पे भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम, ये मैंने वीडियो में दिया था जो स्विंग स्टॉक्स मैंने आप लोग के साथ शेयर किए थे, तो इस वीडियो में मैंने शेयर किए थे। ठीक है, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करिएगा, होली खेल रहे हैं काफ़ी लोग बच्चे सोसाइटी के नीचे, तो उसकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, अब मैं तो होली नहीं खेल पा रहा हूँ फिलहाल। चलिए, तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न का ये एक एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब हम सपोर्ट पे भी बाय कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर भी बाय कर सकते हैं ऑफकोर्स, और फोकस करिए कि आप बाइंग साइड ज़्यादा जाएं इन कंपैरिजन टू सेलिंग साइड। ठीक है, मैं मानता हूँ कि सेलिंग साइड बहुत तेजी से गिरता है, बाइंग साइड थोड़ा धीरे धीरे जाता है, बट आप एज अ बिगिनर स्टेज पे हो तो क्या करो, धीरे धीरे स्टेप्स फॉलो करो। आप पहले तीनों पैटर्न्स को मास्टर करो, तीनों पैटर्न्स को आप सीखो, सिमेट्रिकल ट्राइंगल क्या है, फॉलिंग वेज क्या है और पोल एंड फ्लैग क्या है, इन तीनों पे ट्रेड कैसे करना है वो चीज़ सीखो कि आप प्रॉपर इसको देखोगे, फिर आप फीबो लगाओगे। ठीक है, कि आपको 0.5 का रिट्रेसमेंट है, तो ऑफकोर्स ये 0.5 के पॉइंट के ऊपर रिट्रेसमेंट है, तो ऑफकोर्स ये परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। फॉलिंग वेज में भी 0.5 का टच करना चाहिए और फिर फॉलिंग
कप एंड पोल एंड फ्लैग में भी 0.5 के ऊपर से रिट्रेस करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तीन पैटर्न को मास्टर कर लिया। अब आप क्या करो, एक एक ट्रेड लेना स्टार्ट कर दो। अब मैंने वीडियो में बजाज फिनसर्व दिया हुआ था, ठीक है, या फिर कोई हम और एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे TVS चल रहा था, ठीक है, TVS मोटर्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अब इस पर ट्रेड कैसे करोगे। अब इस पर आपने क्या देखा, इस पर आपको बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे दिख गया, आपको यहाँ पे क्या देखा, आपको एक फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पे दिख गया, ठीक है, स्ट्रेट अपसाइड मोमेंटम और ये फॉल कर रहा है वेज के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिंग वेज पैटर्न। अब आपको फॉलिंग वेज पैटर्न देखने के लिए मिल गया। अब यहाँ से ऑफकोर्स मोमेंटम आया अच्छा खासा, इसने कितने परसेंट यहाँ पे रिटर्न्स दिए, लगभग यहाँ से हम देखें 5% और इतना ही मैक्सिमम है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ से लेवल रीटेस्ट हो रही है, तो मान लो अब हमारा यहाँ से प्लान बनता है कि हम ये लेवल रीटेस्ट के पास फिर से एंट्री लेना चाहते हैं। मान लेते हैं स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे है और टारगेट हम इसके हाई का ही रख रहे हैं, ठीक है, तो 1:2 से ज़्यादा का ट्रेड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ये यहाँ पे सेटअप बनाया, अब इस पर ट्रेड कैसे करोगे, ठीक है। तो ट्रेड आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले तो जो इक्विटी में जाना चाहता है उनके लिए सिंपल है, आप डायरेक्ट क्वांटिटीज बाय कर लो, जितना आपका कैपिटल आप उसमें डिप्लॉय करना चाहते हो, ठीक है। TVS मोटर्स फ्यूचर्स भी मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे मार्च एक्सपायरी हम लेने जा रहे हैं, तो मार्च एक्सपायरी में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक लॉट पे 700 क्वांटिटीज आ रही हैं। कितनी क्वांटिटीज आ रही है हमारे पास, 700 क्वांटिटीज आ रही हैं और 1,60,000 रुपए के आसपास का हम अमाउंट यहाँ पे कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट करना है कि हम स्टॉप लॉस हमारा कितना है, तो उसके हिसाब से हमारी रिस्क कितनी बन रही है, हम टारगेट कितना ले रहे हैं उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट कितना बन रहा है, ठीक है। और एक्सपायरी जैसे अभी मार्च चल रहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अप्रैल के साथ जाए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मार्च एक्सपायरी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कैलकुलेटर ऐड कर लेता हूँ, तो कैलकुलेटर में अभी मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा, ठीक है, कि कैसा क्या सिनेरियो यहाँ पे दिखेगा। तो कैलकुलेशंस आपको कैसे करनी है ये चीज़ ध्यान से देखना, ठीक है। 700 क्वांटिटीज आ रही हैं एक लॉट पे। अब आपने प्लान कर लिया ट्रेड, आपने तीन पैटर्न्स को अच्छे से मास्टर कर लिया, आपको एक ट्रेड मिल गया फॉलिंग वेज पैटर्न का। अब आप इस पर ट्रेड कैसे करोगे फ्यूचर्स पे, तो देखो एंट्री पॉइंट यहाँ पे क्या है, 1064 का एंट्री पॉइंट है और 1036 का स्टॉप लॉस है। तो 1064 हमारा क्या है, ये एंट्री पॉइंट है। पहले क्या करना है, आपको एंट्री पॉइंट डाल देना है 1064, फिर माइनस आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है 1036, तो 1036 आपका स्टॉप लॉस है इक्वल्स टू 28, यानी कि 28 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है, 28 रुपए का, ठीक है। अब एक लॉट पे क्वांटिटीज कितनी आ रही थी, 700, यानी कि अगर हम एक लॉट लेते हैं तो 700 क्वांटिटीज हमें लेनी ही पड़ेंगी। इससे हम डबल ले सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। देखो इससे अगर आप नीचे लेने जाओगे तो नहीं मिलेंगी, ऊपर जाओगे तो मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक लॉट पे कितनी क्वांटिटीज आ रही है हमारी, 700, और स्टॉप लॉस हमने कितने रुपए का दिया था, 28 रुपए का, जस्ट अभी हमने माइनस किया था, इक्वल्स टू 19,600, यानी कि हम 1,60,000 रुपए जो डाल रहे हैं ट्रेड पे, अगर यहाँ से ये वापस आके यहाँ पे SL हिट करता है तो हमारा 19,600 का लॉस होगा, मोटा हिसाब लें तो 20,000 रुपए के आसपास का लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, पहले रिस्क कर लो। अगर आपको लग रहा है कि यार 19,000 आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करो, फिर कोई ऐसा एक ट्रेड ढूंढो जिसमें स्टॉप लॉस कम बन रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से 19,000 रुपए ठीक है, अगर आप 1.5 लाख रुपए 1,60,000 रुपए डिप्लॉय कर रहे हो तो, ठीक है। 19,600 क्या हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पे स्टॉप लॉस, हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे SL बन रहा है हमारा 19,600 का, ठीक है। इसके बाद अभी हम देख लेते हैं कि टारगेट क्या है, ठीक है। अब एंट्री पॉइंट हम जो टारगेट है, टारगेट लिखना है, तो हमारा टारगेट हम कितना ले रहे हैं, 1138 का, 1138, यानी कि 1138 रुपए का टारगेट है, माइनस एंट्री पॉइंट क्या है हमारा जो अभी हमने सेम लिया था 1064 का, इक्वल्स टू 74, यानी कि 28 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस था, उसके सामने हम 74 रुपीस का टारगेट ले रहे हैं। तो 74 मल्टीप्लाई बाय एक लॉट में हम कितनी क्वांटिटीज ले रहे थे, 700 क्वांटिटीज हमें मिल रही हैं, इक्वल्स टू 51,800 रुपीस। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 51,800 रुपीस, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो अब आप देखिए कि आप जो पैसे डिप्लॉय करने जा रहे हो, यानी कि जो आप 1,60,000 रुपये डाल रहे हो, अगर उस पर लॉस होता है आपका, यहाँ से स्टॉप लॉस हिट करता है, मान लो यहाँ से ये स्टॉप लॉस हिट करता है, तो आपका कितना 19,600 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये टारगेट देता है जैसे अभी जोन में जा रहा है, तो क्या करेगा, 51,800 का प्रॉफिट देके जाएगा, 51,800 का, 1:2 से भी ज़्यादा। तो इस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है। और देखिए कैलकुलेशंस कभी भी आप इंडेक्स के चार्ट पे नहीं करोगे, मतलब कि इसके जो स्पॉट चार्ट है ना, TVS मोटर्स का इक्विटी का चार्ट है, इसी पे करोगे। इस चार्ट पे आप कभी भी एनालिसिस नहीं करोगे, जो ये मार्च एक्सपायरी का जो चार्ट है, ठीक है,
यहाँ पे जो TVS मोटर्स का फॉर एग्जांपल मार्च एक्सपायरी अप्रैल एक्सपायरी इस पे एनालिसिस नहीं करने हैं आपको, एनालिसिस हमेशा जो इक्विटी का चार्ट है इस पे एनालिसिस करने हैं और इसी की लेवल्स के हिसाब से आपको वो फॉलो करना है। अगर आपको लगेगा जब इस पे स्टॉप लॉस आने वाला रहेगा तो आप क्या करोगे, जो आपने ये फ्यूचर्स बाय किया है ये एग्जिट कर दोगे इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। ये एक एग्जांपल दे दिया मैंने कि एक फॉलिंग वेज का पैटर्न आपको इस तरीके से स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स को डिसाइड करना है और ट्रेड लेके जाना है, ठीक है। और साथ ही जिसको एडवांस सीखना है ट्रेडर, जो और पूरे डिटेल में जाना चाहता है, फिर जिसको चाहिए कि मैं ट्रेड्स मैं डायरेक्टली दे दूँ जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ, तो आप फिर स्विंग ट्रेडिंग कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे कम्युनिटी हमने बना रखी है। तो उसमें मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स यहाँ पे डायरेक्टली पोस्ट करते रहता हूँ लेवल्स के साथ, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दे दिया मैंने इस तौर पे, ठीक है। इसके बाद हम कोई एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे हिंडाल्को पे सेलिंग साइड का बन रहा था, ठीक है, हिंडाल्को पे सेलिंग साइड का बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये पैटर्न था, यहाँ से ये सपोर्ट, देखो हमने इसको पहले क्या किया था, सपोर्ट पे बाय किया था कि यहाँ से मोमेंटम अप साइड जा सकता है, लेकिन ये नहीं गया, ठीक है। तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया था। अब इस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लो इस कैंडल के नीचे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, यहाँ से हमारी एंट्री, इसका हाई स्टॉप और स्टॉप लॉस और टारगेट इस लेवल का, तो 1:2 से भी ज़्यादा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं फिर से एग्जाम्पल दे देता हूँ, हिंडाल्को इक्विटी, और इस बार हम अप्रैल एक्सपायरी के साथ एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप अप्रैल एक्सपायरी के साथ जा रहे हो, तो अप्रैल एक्सपायरी के साथ जा रहे हो तो इसमें एक लॉट में कितनी 1400 क्वांटिटीज आ रही है, यानी कि 1400 क्वांटिटीज आपको लेनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, कैलकुलेटर ओपन करेंगे यहाँ से, ठीक है। कैलकुलेटर ओपन किया, अब हमने क्या देखा, एंट्री पॉइंट हमारा क्या है, 414 का हमारा एंट्री पॉइंट है, और माइनस स्टॉप लॉस हमारा कितना है 438 का, तो 438 इक्वल्स टू 24, यानी कि 24 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है। तो 24 इंटू एक लॉट में हमें 1400 क्वांटिटीज मिल रही हैं, तो हमारा लॉस यहाँ पे बनना है 33,600 रुपए का, ठीक है, 33,600 का। लेकिन अब हमारा एंट्री पॉइंट क्या है, 414, और माइनस 360 हमारा टारगेट है इक्वल्स टू 54, यानी कि 54 इंटू 1400 हमारी क्वांटिटीज है 33,000 रुपीज़ का लॉस, लेकिन सामने 75,000 का प्रॉफिट। अब हो सकता है कि लॉस हो जाए, लेकिन लॉस हो जाए तो क्या करना है, प्रॉपर एक्सेप्ट करना है उसको और दूसरे ट्रेड की तरफ चले जाना है। ये नहीं कि यार एक लॉस हो गया, दो लॉस हो गए तो ट्रेडिंग ही छोड़ दी, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के साथ ही फिर एक्यूरेसी बढ़ती है जब प्रॉफिट्स आना स्टार्ट होते हैं ट्रेडर्स। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आपको कुछ आज सीखने ज़रूर मिला होगा यहाँ से इस वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएँ। और होली का ऑफर स्विंग ट्रेडिंग कोर्स पे, ऑप्शंस के कोर्स पे चल रहा है, तो आप एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक दे दूंगा ट्रेडर्स यहाँ पे, ठीक है। जिसको स्विंग ट्रेड आइडियाज ऑफकोर्स मैं यूट्यूब पे भी पोस्ट करता हूँ, तो उनसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। 20-30% अपसाइड मोमेंटम वाले स्टॉक्स मैंने कल ही शेयर यहाँ पे किए हुए थे। तो इस वीडियो में ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।